हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने रैबिटों को रूम से बाहर निकाल चुके हैं और आप देख सकते हैं जो हमारे रैबिट है वो छत पे घूम रहे हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों, हम रैबिटों को खाने के लिए हरी घास दे देते हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें भूख लगी होगी। तो दोस्तों, सुबह का टाइम हो गया है तो हम उन्हें खाने के लिए अभी घास देती हूँ। तो दोस्तों जो है कि आप जानते हैं कि हम हरी घास कहाँ पे रखती हूँ। तो दोस्तों जो है कि चलते हैं, हम अपने रैबिटों को लिए हरी घास दे देती हूँ खाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हम इसी रूम में हरी घास रखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो है कि हम यहाँ पे हरी घास रखी हूँ। तो दोस्तों हम दे देते हैं अपने रैबिटों को खाने के लिए हरी घास। तो दोस्तों आप देख भी सकते हैं जो हमारे रैबिट हैं वहाँ पर उछल कूद कर रहे हैं हरी घास खाने के लिए। तो दोस्तों हम चलते हैं, इन्हें हरी घास पहले दे देते हैं। तो दोस्तों जो है कि देख सकते हैं जो हमारे रैबिट हैं हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों जो है कि हम यहाँ पे इन्हें खाने के लिए हरी घास दे देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस हरी घास में कुछ हरा दूब है और दोस्तों जो है कि जौंदरी की पत्ती है जो हमारे रैबिट बहुत ही मज़े से खा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों जो है कि देख सकते हैं जो हमारे रैबिट हैं बहुत ही मज़े से हरी घास खा रहे हैं। और दोस्तों जो है कि हम चलते हैं रूम में और जो ब्लैक वाला रैबिट है उसे भी हम हरी घास दे देते हैं क्योंकि दोस्तों उसे भी भूख लगी होगी। तो दोस्तों जो है कि चलते हैं, हम उसे भी खाने के लिए हरी घास दे देती हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ले जा रही हूँ उसे भी हरी घास देने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों आ गए इसके पीछे एक बार। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही परेशान है हरी घास खाने के लिए। तो दोस्तों जो है कि हम इसे भी हरी घास दे चुके हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं ये भी हरी घास खाने लगा क्योंकि दोस्तों इसी टाइम पे मैं आती हूँ और इन्हें खाने के लिए हरी घास और इन्हें प्यास भी लगी रहती है तो पीने के लिए पानी भी दे देती हूँ। तो दोस्तों खा पी लेते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे बजीस। तो दोस्तों जो है कि इनके भी दाने ख़त्म हो चुके हैं। और दोस्तों जो है कि इसमें जो इनके खाने वाले बर्तन में जो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये दाना नहीं है, ये चेन का जो दाना होता है दोस्तों उसके अंदर का जो है वो बजीस खा जाते हैं और बोकले को बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर का खा चुके हैं और दोस्तों जो है कि ये बोकला है तो हम इसे बाहर निकाल देंगे और फिर इन्हें चेन का या बजरा का दाना दे देंगे, खा लेंगे। और दोस्तों पानी भी चेंज कर देंगे, देख सकते हैं दोस्तों मस्ती कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं हमारे बजीस। तो दोस्तों जो है कि आपने कई सारी वीडियो हमने बनाई तो आपने देखा कि जो एक फीमेल रैबिट ने बच्चा दी हुई थी वो फीमेल रैबिट बहुत ही ज़्यादा महसूस टाइप की रहती थी दोस्तों, हम उसे खाने के लिए कुछ देते थे। दोस्तों देख सकते हैं ये रही वो, ये वाली है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि जानते हैं आप कि हम आपने देखा होगा कई सारी वीडियो हमने बनाई तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हम सारे हम जब इनके दरवाजे खोलते थे तो सभी रैबिट जो हैं बाहर आ जाते थे, लेकिन जो ये रैबिट है फीमेल रैबिट जिसने बच्चे दी हुई थी दोस्तों ये बाहर नहीं आती थी। दोस्तों ये ऐसा क्यों करती थी? और जो है कि दोस्तों देख सकते हैं कितनी दुबली पतली हो चुकी है दोस्तों, खा भी नहीं रही थी अच्छे से। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये ऐसा क्यों कर रही थी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अब ठीक हो गई है दोस्तों, जो है कि अब तो खा ले रही है, देख सकते हैं सभी रैबिटों के बीच में है दोस्तों। और देख सकते हैं सभी रैबिट की तरह वो भी खा रही है दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको अभी बताएंगे कि क्यों जो हमारी फीमेल रैबिट है वो नहीं खा रही थी। दो चार दिन तक जैसे लग रहा था दोस्तों कि जो हमारी फीमेल रैबिट है वो बीमार है दोस्तों, ऐसे नज़र आती थी। तो दोस्तों हम आपको अभी बताएंगे कि क्यों हमारी जो फीमेल रैबिट है वो ऐसे करती थी। ये रहा दोस्तों प्यारा सा बच्चा जो हमारी फीमेल रैबिट ने दी हुई थी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस बच्चे को पता नहीं क्या काट लिया है दोस्तों। दोस्तों जब हमने दूध इसे दूध पिलाने के लिए आई और इसे पिंजरे से बाहर निकाली
तो देखा दोस्तों कि इसके शरीर में ब्लड लगा हुआ था। तो दोस्तों हमने देखा तो इसके कान और आँख के पास कटा हुआ था। तो दोस्तों हमने पता नहीं दोस्तों उसे क्या काट दिया। तो दोस्तों हमने देखा तो उसके जो आँख के पास कटा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहाँ पे छेद हो चुका था। तो दोस्तों जो है कि हम दवाई लगाई और बहुत सारी कोशिशें की दोस्तों हम इस रैबिट के बच्चे को बचाने के लिए, फिर भी दोस्तों जो है कि रैबिट का बच्चा मर गया। आप देख सकते हैं दोस्तों जो है कि ये काफ़ी बड़ा भी हो चुका था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी आंखें भी खुल चुकी थी। और दोस्तों जो है कि ये दूध के अलावा कुछ चीज़ें खाने भी लगा था दोस्तों, जैसे रोटी और हरी घास दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा खा भी रहा था। लेकिन दोस्तों पता नहीं अचानक क्या काट लिया और दोस्तों जो है कि रैबिट का बच्चा हमें छोड़ के चला गया। जैसे कि दोस्तों आपने देखा यही कारण था दोस्तों कि जो हमारी फीमेल रैबिट थी वो हमेशा उदासी सी रहती थी, और दोस्तों जब भी हम उसे कुछ खाने के लिए देते थे तो उतना खाती भी नहीं थी दोस्तों। और जो है कि हम जब भी उसे रूम से बाहर निकालते थे तो दोस्तों वो हम बाहर निकलती भी नहीं थी, घूमती नहीं थी, सभी रैबिटों जैसी नहीं थी दोस्तों। वो बहुत ही उदासी सी अपने को महसूस करती थी। और दोस्तों जो है कि आप जानते हैं कि इसने एक ही बच्चा दी दोस्तों, वो भी बच्चा आपने अभी देखा कि वो भी बच्चा जो है कि मर चुका दोस्तों। दोस्तों हमने उसे बहुत बचाने की कोशिश की दोस्तों, जो है कि हम उसे दवा भी लगाई और सारी कोशिशें की दोस्तों उसे बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों वो नहीं बचा दोस्तों। इसी की वजह से दोस्तों जो है कि हमारी जो फीमेल रैबिट है वो बहुत ही उदासी सी रह रही थी। और जो है कि दोस्तों देख सकते हैं आप तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों हम कल बात करने वाले हैं कि जो इतने सारे रैबिट हैं मेरे पास आप देख सकते हैं, और भी दोस्तों के पास हमने देखा है कि बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जब भी जानवरों को पिंजरे में बंद करना रहता है तो उसे पकड़ के ले जाके पिंजरे में बंद करते हैं। तो दोस्तों हम कल आपको बताएंगे कि हम अपने जानवरों को कितनी आसानी से उनके पिंजरे में बंद कर देंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतने सारे देख सकते हैं हमारे पास रैबिट हैं, लेकिन दोस्तों हम इसे एक एक करके और पिंजरे में बंद करने लगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लग जाएगी। तो दोस्तों जो है कि और आसानी से बंद भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो है कि हम आपको कल बताएंगे कि कैसे आप आसानी से अपने किसी भी जानवरों को पिंजरे में बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है कि हम आपसे अब कल मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें ताकि दोस्तों जो अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी जा सके दोस्तों, और आप जो है कि जल्दी उस वीडियो को देख सकें। और दोस्तों जो है कि उस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।